आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन को, ये करता क्या है, और फिर आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था कि एक तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रोथ, यानी नाम से जाहिर है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन, पूरी बॉडी की, यानी आंखों तक का साइज इसने बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो नेचर है ये पेप्टाइड नेचर के हैं, जैसे हमने पढ़ा था, मैं वो कोशिश करूँगा आपको एक टेबल बना, कभी फ्री हुआ ना टेबल बना दूँ सब आप करके, ना उसने भी अच्छा आदमी बना। पेप्टाइड नेचर के होते हैं ये, तकरीबन इसके अंदर ना 191 जो है ये अमीनो एसिड ले रहा होता है, 191 क्योंकि इसका ज़्यादा रोल है, ये ऐसे समझना कि आपकी बॉडी का बड़ा है, ठीक है, जैसे घर में बड़ा होता है ना। अच्छा जी, ये क्या कहाँ से रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सामने की फेस की तरफ के हैं वो इंटीरियर हैं, जो पीछे की तरफ हैं हमारी खुद की तरफ वो हैं पोस्टीरियर, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके फंक्शन क्या है, थोड़े से फंक्शन है पहले वो पढ़ लें, फिर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अहम है। अच्छा, इसको आपने ऐसे ही लिख देना, ये 5 नंबर का होगा और मोस्टली आता है ये सवाल, और इसमें से वो भी आते हैं, क्या नाम देते हैं, MCQ। ग्रोथ हार्मोन का जो दूसरा नाम है वो है सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन किसका नाम है, मेरे ख्याल ADH का नाम है, हम आगे पढ़ते हैं इसको, हम यहाँ देख रहे हैं सोमैटोट्रोपिन, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो आज और बार, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन। अच्छा, आपका MCQs कैसे आ सकता है, वो MCQs में पूछ सकता है कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम, वहाँ पे सोमैटोस्टैटिन भी लिख देगा, सोमैटोट्रोपिन भी लिख देगा, उससे मिलता जुलता एक और भी लिख देगा। अब अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे सही बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तुक्का लगाएंगे, या तो लग जाएगा या फिर छुट्टी। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पहली बात तो यह है कि हड्डियों की ग्रोथ करता है, कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यूज़ की, सॉफ्ट टिश्यू में आपने पढ़ा भी होगा, क्या नाम देते हैं उसका, नहीं पढ़ा, पढ़ा यार, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, एपिथेलियल टिश्यू पढ़े हैं यार, अच्छा नाम मान लो। अच्छा जी, तो कार्टिलेज हड्डी का पता है, नेपी भी पढ़ा, कार्टिलेज पता है, देखी है, नहीं देखी यार, कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं गोश्त में जो हम चबाते तो ईजिली चबी जाती हैं, उनको कार्टिलेज कहते हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये कान की हड्डी है, ठीक है, ये नरम होती है, घूम 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 फिर जाती है, और अक्सर उस्ताद यहाँ से पकड़ के यूँ खींचते हैं, तो कुछ लोगों के कान फिर पीके की तरह के होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स। आपने कहीं कहीं देखा है क्रिकेट बीमारी होती है और बच्चों की हड्डियाँ फिर जाती हैं, देखी होंगी, वो रिकेट बीमारी होती है, वो विटामिन डी की कमी से ऐसे होती है, वो हमने इसको नेक्स्ट हम विटामिन पढ़ेंगे तो वो भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जो नॉर्मल ग्रोथ है ना बोन्स की, उसका भी रिस्पॉन्सिबल यही ताया हुआ है, ठीक है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, इनकी भी नॉर्मल ग्रोथ, और भी कार्टिलेज हड्डियाँ होती हैं हमारे जिस्म में, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, चौथा इसका फंक्शन है, इट इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्किन, हमारी स्किन जब बच्चे होते हैं तो और नेचर के होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं फिर और नेचर के होते हैं, तो थिकनेस जो हो जाती है स्किन में वो भी यही काज करता है। और पाँचवा आखिरी फंक्शन जो इसका है, इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ किडनी एंड लिवर, कुछ मरीजों में हमने देखा है कि किडनी का साइज थोड़ा होता है, लिवर का साइज तो नॉर्मल ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन किडनी का साइज छोटा होता है। मैं चूँकि इनफर्टिलिटी का इलाज करता हूँ, बेऔलादी का, तो वहाँ पर अक्सर जो पेशेंट फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही होती, उनमें यूट्रस का साइज छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो वहाँ पे जो सोनोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो लिख के देते हैं कि भाई इसका यूट्रस का जो साइज है नॉर्मल से इतना कम है। ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तीन चीज़ों पे बायोकेमिस्ट्री खड़ी है, तीन, एक तंबू होता है ना, तीन तंबुओं पे उसे खड़ा करते हैं, तीन चीज़ें कौन सी हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ऐसे है ना, और इन तीन चीज़ों को आपने बार बार याद करना है फिर आपकी बायोकेमिस्ट्री पास होगी। ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी, इससे क्या पता चला कि ये प्रोटीन बनाता भी है, यानी ये बनाने वाले काम क्या करता है, ठीक है। उसके बाद इसको एनाबॉलिक भी कहते हैं,
इट स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए के सिंथेसिस और भी करता है, यानी इसको एनाबॉलिक इफेक्ट्स कहते हैं, जो चीज़ें बनाता है ना नई चीज़ें उसको एनाबॉलिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन पे तो क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस भी स्टिमुलेट करता है, बनाता तो नहीं है स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द बॉडी। इसको जरा समझते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, यानी 20 साल तक ये हमारी क्या बना रहता है, हड्डियाँ बना रहता है, हमारी बॉडी साइज बना रहता है, सॉफ्ट टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज जो भी कह लो, उसके बाद क्या बना रहता है, किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन जब हम मुकम्मल, हमारी बॉडी मुकम्मल हो जाती है, फिर ये क्या करता है, वेला फिर भी नहीं बैठता, काम करता रहता है। अच्छा क्या करता है जी, फिर ये क्या करता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन को तेज़ कर देता है। आपने देखा होगा बड़ी उम्र में जाके शुगर होती है, क्यों होती है, उसको और कोई काम नहीं है, वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करता रहता है। अच्छा करता रहे यार, कोई इश्यू नहीं है, हमें नहीं मसला, करता रहता है। कि जब वो ये वाली चलनी मारता है ना, फिर हमें तकलीफ होती है, क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट इंसुलिन सिंथेसिस इन द बॉडी। क्या करता है जी, इसकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर रहा है शुगर की, करता रहे, लेकिन ये वाला जो काम करता है ना ये गलत है। क्यों, कि जब शुगर ब्लड में ज़्यादा होती है तो इंसुलिन आपके कहाँ से सीक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन परसों पढ़ा था आपने, कहा नहीं था ना, पैंक्रियास है यार, आपने बताया मुझे बोला गया। अच्छा जी, तो ये क्या करता है जी, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में आपकी शुगर को उठा के उसे बताता है कि यार तुम्हें दिमाग में जाकर काम करते हैं, तुमने टांगों में जाकर काम करते हैं, तुमने कहाँ कहाँ, यानी वो उसको वहाँ वहाँ भेज देता है। अब ये क्या करता है, ताया ये करता है, इनहिबिट कर देता है इसकी इंसुलिन की सिंथेसिस, इंसुलिन बनना काम हो जाती है, उससे क्या होता है, उससे हमें हमें शुगर हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं इट्स कॉल्ड डायबेटोजेनिक हार्मोन, यानी शुगर काज करने वाला, यानी शुगर हमारे जो बढ़ होती है तो उसका जिम्मेदार यही ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, समझ आ रही है, मज़ा भी आ रहा है, नहीं आ रहा, इट कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ज़्यादा होना, हाइपो कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया कहते हैं ब्लड के अंदर जो शुगर होती है, ये बातें छोटी छोटी होती हैं, इनको याद रखना, ये एमसीक्यूज या वाइवा में पूछी जाती है। अच्छा हाँ, वाइवा में ये वाला पूछा जा सकता है, वो कहते हैं कौन सा हार्मोन है जो आपके अंदर शुगर, जो आपको शुगर का मरीज बना सकता है, तो आप कहेंगे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ग्लूकागन नहीं कहेंगे, ग्लूकागन सिर्फ शुगर बनाता है, या ये नहीं कहेंगे इंसुलिन तो शुगर का काम लगाता है। ठीक है, और एक तीसरा हार्मोन पढ़ा था हमने जो इन दोनों को कवर करता है, अरे यार यार यही वजह है ना, यही वजह है, पढ़ना नहीं है ना हमने। अच्छा तो फिर क्या कहता है जी, ये वाला आपने एमसीक्यू याद रखना है, इसलिए अगर ऐसे में क्या करता है, अच्छा ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, आपने अक्सर देखा होगा 30-35 के बाद बाद बंदे मोटा होना शुरू हो जाते हैं, देखा है ना, बड़ी उम्र में जाके मोटे हो जाते हैं, मेरी तरह मैं भी अब 40 पे पहुँच गया हूँ, तो 35 से ही मोटा होना शुरू हुआ मैं, अच्छा उससे पहले नहीं मोटे होते। क्या करता है, ये लिपोलाइसिस करता है हमारे जिस्म में जो चर्बी है वो बढ़ाता है, उसके बाद ये क्या करता है, बेला होता है ना सर, उधर से शुगर बढ़ा रहा है, उधर से फैट बढ़ा रहा है। इट हैज कैटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन एडिपोज टिश्यू, कैटाबॉलिक का पता है ना, तोड़ फोड़ करने वाला, एक मेटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक बनाने वाला, कैटाबॉलिक तोड़ फोड़ करने वाला, तो ये क्या करता है जी, एडिपोज टिश्यू में को की तोड़ फोड़ करता है, क्यों करता है, ये समझने वाली बात है, ये दस इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इनटू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये एक और काम भी कर रहा है हमारा खराब, हमारी जो चर्बी है उसकी तोड़ फोड़ करके उसको हमारे ब्लड में धक्का दे देता है, जब चर्बी ब्लड में जाती है तो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, खून की जो खून का बहाव है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सिर्फ शुगर नहीं करता, ये ब्लड प्रेशर का जिम्मेदार भी यही है। ठीक हो गया, समझ आ रही है सर, अच्छा चुप बैठ गया ना, अच्छा ये अगली बात, ये कोई अच्छा काम भी करता है, यानी दो तीन जो बुरे काम करता है अच्छा काम भी करता है, अच्छा काम करता है। Effects on electrolytes, growth hormone cause retention of sodium, potassium, calcium, magnesium and chloride or magnesium and calcium. क्या करता है? Retention का मतलब रोकना, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर क्या क्या था, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया,
यानी उस्ताद रोक लेते थे ना, अभी तो तेरा तरह सबक पक्का नहीं है, दर्श में ज़्यादातर होता है, तो बैठा ये क्या कहता रोक लेता है, क्यों इन चीज़ों को, इन चीज़ों को ये कहाँ होती हैं, ये कहाँ होती हैं हमारे यूरिन में और फीसेस में, ये एक्सपेल आउट होती रहती है। लेकिन वो क्या करता है, वो कहता है यार बॉडी में ना ये चीज़ें कम है, तुझे बाहर ना जाओ ताड़ी मेरे पास इन दी बॉडी, इट प्रमोट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ दीज आयंस फ्रॉम किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी हम एडीएच पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि जब जिस समय पानी की कमी होती है तो वो जो आपका हार्मोन है वो आपका बना बनाया पेशाब वापस ले आता है, वापस लेके वो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पानी की जरूरत होती है वहाँ भेजता है। इस तरह हमने पढ़ा था कि शुगर अगर कम होती है तो ग्लूकागन क्या कहता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है, फिर वो हमारी फैट से जो शुगर निकाल निकाल के ब्लड को देता है कि भैया बता बेहोश ना हो जाए, ठीक है। तो वो इसी तरह ये क्या करता है, ये इन आइंस को रोक देता है, ये हमारे हमारे जिसम के जो ज़रूरी आइंस है इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, इनको क्या करता है, इनको पेशाब से और फीसेस से यानी छोटे पेशाब और बड़े पेशाब से क्या करता है वापस ले आता है और बॉडी में भेज देता है। ये एक अच्छा काम करता है, ये तो अच्छे काम नहीं है लेकिन ये वाला अच्छा काम, यहाँ पर समझ आ गई है, आगे समझ इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ये पाँच नंबर हैं आपके और इसके लिए दो तीन चीज़ें जो हैं ये और इसका वो सोमैटोट्रोपिन और ये चीज़ें जो है कि भाई आपसे पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है हमारे जिसमें शुगर पैदा होने का, तो आप कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसको करना ऐसे ही है, नेचर इसकी आपको पता है पेप्टाइड है और ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, मीडियम पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, उसके बाद इसके फंक्शन है, ये फंक्शन इतने ईजिली याद रह जाएंगे, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म का वो आपने लाजमी याद करने और अच्छे से याद करना, ठीक हो गया।